केंद्रीय मंत्री उमा भारती बैतूल पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय भाजपा नेता राजीव खंडेलवाल द्वारा लिखी पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उमा ने कहा कि नदी को बचाने और उनके रखरखाव के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए, ये सभी की जिम्मेदारी है। गंगा में हर साल 72 करोड़ और नर्मदा में 20 करोड़ लोग स्नान करते हैं, जिसके चलते उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो नदी को साफ सुथरा रखें। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक, रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लेकिन असली जिम्मेवारी नदी को बचाने की उसकी है जो नदी में स्नान कर रहा है।